हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सूरज है और मैं आ गया हूँ एक और नई कहानी के साथ। और इस कहानी का शीर्षक है पेड़ का इनकार। ये एक सकारात्मक सोच पे स्टोरी है, तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक बड़ी सी नदी के किनारे कुछ पेड़ थे जिनकी टहनियाँ नदी के धारा के ऊपर तक फैली हुई थी। एक दिन एक चिड़ियों का परिवार अपने लिए घोंसले की तलाश में भटकते हुए उस नदी के किनारे पहुंच गया। चिड़ियों ने एक अच्छा सा पेड़ देखा और उससे पूछा, हम सब काफ़ी समय से अपने लिए एक नया मजबूत घर बनाने के लिए एक बड़ा सा पेड़ तलाश रहे हैं। आपको देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आपकी मजबूत शाखाओं पर हम एक अच्छा सा घोंसला बनाना चाहते हैं ताकि बरसात शुरू होने से पहले हम खुद को सुरक्षित रख सकें। क्या आप हमें इसकी अनुमति देंगे? पेड़ ने उनकी बात को सुनकर साफ इनकार कर दिया और बोला, मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता, जाओ कहीं और अपनी तलाश पूरी करो। चिड़ियों को पेड़ का इनकार बहुत बुरा लगा। वो उसे भला बुरा कहकर सामने के ही एक पेड़ के पास चली गईं। उस पेड़ से भी उन्होंने घोंसला बनाने की अनुमति मांगी। इस बार पेड़ आसानी से तैयार हो गया और उन्हें खुशी खुशी वहां रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, समय बीता, बरसात का मौसम शुरू हो गया और इस बार की बारिश भयानक थी। नदियों में बाढ़ आ गई। नदी अपने तेज प्रवाह से मिट्टी काटते काटते और चौड़ी हो गई और एक दिन तो इतनी बारिश हुई कि नदी में बाढ़ सी आ गई। तमाम पेड़ पौधे अपनी जड़ों से उखड़कर नदी में बहने लगे और इन पेड़ों में वह पहला वाला पेड़ भी शामिल था जिसने उस चिड़ियों को अपनी शाखा पर घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी थी। उसे जड़ों सहित उखड़कर नदी में बहता देख चिड़ियों का परिवार खुश हो गया, मानो कुदरत ने पेड़ से उनका बदला ले लिया हो। चिड़ियों ने पेड़ की तरफ उपेक्षा भरी नजरों से देखा और कहा कि एक समय जब हम तुम्हारे पास अपने लिए मदद मांगने आए थे तो तुमने साफ इनकार कर दिया था। अब देखो, तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण तुम्हारी यह दशा हो गई है। इस पर पेड़ ने मुस्कुराते हुए उन चिड़ियों से कहा, मैं जानता था कि मेरी उम्र हो चली है और इस बरसात के मौसम में मेरी कमजोर पड़ चुकी जड़ें टिक नहीं पाएंगी, और मात्र यही कारण था कि मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए। फिर भी तुम्हारा दिल दुखाने के लिए मुझे क्षमा करना। और ऐसा कहते कहते पेड़ पानी में बह गया। चिड़ियाँ अब अपने व्यवहार पर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों के रूखे व्यवहार या ना का बुरा मान जाते हैं, लेकिन कई बार इस तरह के व्यवहार में हमारा हित छुपा होता है। खास तौर पे जब बड़े बुजुर्ग या माता पिता बच्चों की कोई बात नहीं मानते तो बच्चे उन्हें अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि वे हमेशा अपने बच्चों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए यदि आपको भी कहीं से कोई इनकार मिले तो उसका बुरा ना माने। क्या पता उन चिड़ियों की तरह एक ना आपके जीवन से भी विपत्तियों को दूर कर दे। दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस तरह की और स्टोरीज सुनने के लिए या देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।